हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल MS जोन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मॉडिफिकेशन है वो TVS विक्टर में। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल देते हैं और किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है कुछ जानकारी आपको देते हैं। और मॉडिफिकेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लुक है जो पूरा लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और स्टिकर विस्टिकर पूरा करके, और पहले गाड़ी कैसा था फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, गाड़ी पहले इस टाइप में था, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। लगभग 3 से 4 हज़ार में ये गाड़ी को सेकेंड हैंड के रूप में उठाया गया था, और इसका वैल्यू वही 3 से 4 हज़ार था। इसमें कुछ भी वायरिंग वायरिंग कुछ भी नहीं है, और जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पर आगे बॉक्स बनाया गया और थोड़ा सा पीछे सोकर उकर उठाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे जो ये लाइट का बॉक्स, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और जैसा कि इसका टंकी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये टंकी TVS का ही, तो इसे पेंट में ले जाया जाएगा। और कुछ कट उट जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर सब सामान रख दिया गया, और पूरा एकदम जो गाड़ी है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा इंजन उंजन को सब टोटल, मतलब हर एक चीज़ को उतारते हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी कैसा दिखता है, उसके बाद डायरेक्ट ये पेंट में ही जाएगा। तो एक एक करके जैसे कि यहाँ पर चक्का उक्का अगर मॉडिफिकेशन आपको भी करना है तो इस टाइप में कर सकते हैं। इंजन उतारना ज़रूरी रहता है ताकि पेंट उंट अच्छे से हो सके, और यहाँ दोनों मिस्त्री लगे हुए हैं। और जैसा कि पेंट करके आने के बाद कुछ इस तरह का लुक जैसा कि देख सकते हैं, और पीछे का ये उठाया गया पोर्शन ताकि गाड़ी काफ़ी खूबसूरत रूप में निकल के आए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब यहाँ टायर वायर फिट करने के बाद न्यू, जैसे मैं अधिकतर TVS का ही लगाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। ब्रेक्सू रोक्सू पूरा एकदम चेंज कर दिया हूँ, और चलिए धीरे धीरे एक करके इसे फिट करते हैं। फिटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ धीरे धीरे एक एक चीज़ को लगाते हैं, मतलब गाड़ी में कुछ भी चीज़ पुराना नहीं बचता फ्रेंड। पेंट उंट करके मतलब हर चीज़ न्यू टाइप में लगता है, जैसे शोरूम में गाड़ी कैसे निकलता उसी टाइप में लगेगा। यहाँ सोकर उकर का पूरा काम करके और लेगार्ड वगैरह पूरा लगाया जाएगा। तो चलिए चैन किट लगाते हैं, उसके बाद ही फिट होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स फिट करने के बाद कैसा लगता है। तो यहाँ के देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिट करने के बाद गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आता है, पूरा एकदम झकास लुक में। आप पकड़ नहीं पा रहे होंगे कि वही गाड़ी है कि नहीं, लेकिन ये वही गाड़ी है फ्रेंड्स, और पूरा स्टिकर उस्टिकर करके काफ़ी अच्छा है। आप फ्रंट में देख सकते हैं, हैंडल का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं सब और नेक्स्ट बार जो गाड़ी मैं मॉडिफाई करूँगा वो ब्लू कलर में रहेगा। ये आपका हमेशा रेड, मैं 3 गाड़ी कर चुका हूँ रेड में ही, और 3 सोच रहा हूँ अब ब्लू रहेगा। उसके बाद अलग अलग मतलब कलर काफ़ी अच्छा लगेगा, और यहाँ पर स्टिकर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जैसे मोम डैड का स्टिकर लगा दिया गया हूँ। वो मेरा ही चॉइस रहता है, सब मेरे ही में डिपेंड है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। सीट कवर काफ़ी अच्छा लगता है, और इसका जो साइलेंसर है वो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, और आवाज़ भी काफ़ी बुलंद देता है। यहाँ पर बुलेट का जो लाइट पीछे लगाया गया है, और पूरा जैसा कि देख सकते हैं ऑसम लुक है फ्रेंड्स, पूरा क्लच उलच। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ क्योंकि ये पुराना मॉडल है, लेकिन वैसा दिक्कत नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको भी गाड़ी मॉडिफाई करना है तो सस्ता में आप गाड़ी का इंजन और चेसिस बस लीजिए। इसमें थोड़ा सा इंजन चैन वगैरह लगा हुआ है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं जाता फ्रेंड्स, लगभग 15 हज़ार 16 हज़ार मतलब 20 हज़ार के करीब जाएगा।